नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमितर, आप देख रहे हैं डेढ़। तो आज इन्फिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया उनका नेक्स्ट बजट कैटेगरी स्मार्टफोन, विच इज इन्फिनिक्स हॉट 11 2022। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बॉक्स के अंदर मिलता है कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी इन्फॉर्मेशन विद द सिम इजेक्टर पिन, उसके साथ साथ आपको मिलता है 10 वाट का चार्जर विद ए डेटा केबल, विच इज अ टाइप सी डेटा केबल, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आपको मिलता है एक बैक केस विच इज ट्रांसपेरेंट टीपीयू बैक केस, जो डिवाइस में लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का लगता है। अभी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। पीछे का इस बार का अगर डिजाइन देखा जाए, मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। इट्स मेड आउट ऑफ ए प्लास्टिक बट इट लुक्स रियली गॉर्जियस। अंडर 10,000 रुपीज डिवाइस के हिसाब से मैं बोलूंगा इसका डिजाइन इस बार इन्फिनिक्स ने काफी बढ़िया किया है। कर्व एजेस है, काफी अच्छे से आप इसको पकड़ पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर आपको एक हल्का सा बॉक्सी फील भी आता है, दैट्स प्रीटी गुड। अगर बॉटम में देखा जाए, बॉटम फाइन स्पीकर, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, मेन माइक्रोफोन दिया गया है, एंड टॉप में दिया गया है 3.5 mm हेडफोन जैक। राइट साइड में दिया गया है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड उसके साथ साथ वॉल्यूम लॉकर। एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर देखा जाए, इट्स वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। मैंने अभी तक जितना इस्तेमाल किया, इट वर्क्स 10 out of 10, मतलब काफी एक्यूरेट है एंड काफी फास्ट भी है। लेफ्ट साइड में अगर दिया गया है यहाँ पर सिम ट्रे, जहां पर आप सिंगल सिम एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड या फिर आप डुअल सिम लगा सकते हैं, मतलब शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जो काफी अनलाइकली है अगर हम लोग इन्फिनिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन में इस डिवाइस को थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी का वीडियो बनाएंगे, मतलब बाकी का इस डिवाइस का रिव्यू करेंगे। चलिए आ गए वापस, एंड 2 दिन में इस्तेमाल कर लिया हुआ इन्फिनिक्स हॉट 11 2022। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में, मतलब मुझे ये डिवाइस एक्चुअली कैसा लगा। सबसे पहले बात करूंगा जो बार का जो डिजाइन है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो तो नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां पर अगर आप बिना कवर के इस्तेमाल करेंगे तो ये शाइनी बैक है, उसके पास थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। अगर आप कवर लगे इस्तेमाल करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं बोलूंगा बजट के हिसाब से इन्फिनिक्स इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन काफी बढ़िया किया है। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, यहां पर आपको एक फुल HD 6.7 inch का पंच होल कैमरा वाला डिस्प्ले दिया गया, विच इज रियली गुड। एंड यहां पर आपको 550 nits का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल मैंने इसको बाहर भी इस्तेमाल किया, मैं बोलूंगा ब्राइटनेस इसका काफी सही है, आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी बढ़िया है। 60Hz का पैनल है, एंड ओवरऑल अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखा जाए, विच इज अराउंड 89.5%, अराउंड 90% आप बोल सकते हो। ऊपर और साइड में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम रेजेस है, नीचे हल्का सा आपको चेन देखने को मिलता है। प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बोलूंगा बहुत एक बढ़िया डिस्प्ले है, एंड डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इवन अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, इतना बड़ा सा स्क्रीन में आप बहुत ही अच्छे से वीडियो, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस इसको एंजॉय कर पाएंगे। एंड यू कैन प्ले फ्लू HD 60fps वीडियोस ऑन YouTube। एक बार मल्टी टच टेस्ट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको 10-point टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। अभी बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर एक यूनी एसओसी का T610 का प्रोसेसर दिया गया, विच इज ए 12 nm प्रोसेसर। एंड बाकी अगर देखा जाए, इट्स 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर, कम्स एट 1.82 GHz। मेरे पास वो वेरियंट है विच इज 4GB RAM एंड 64GB ROM। एंड डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, फिर मल्टी टास्किंग इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो ये वाला डिवाइस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने यूनी एसओसी का इस्तेमाल किया, विच वर्क्स प्रीटी फाइन, यहां पर भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है। एंड मैं अगर देखता हूं, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस इज कंसर्न, मैंने यहां पर थोड़ा बहुत गेम खेला है, हाई एंड गेम भी खेला है, गेम इसमें बहुत अच्छे तरीके से चला, विच इज अ बिट अनएक्सपेक्टेड, बट ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस भी मुझे काफी बढ़िया लगा। सो इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर, मुझे फॉर द टाइम में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई हीटिंग इशू मुझे नजर में नहीं आया। एंड अगर आप कैजुअल इस्तेमाल करते या फिर थोड़ा बहुत हेवी गेम भी खेलते, ये प्रोसेसर आपको लेट डाउन नहीं करेगा, इट वर्क्स प्रीटी फाइन एंड स्मूथली। इन टर्म्स ऑफ द सेंसर, यहाँ पर आपको एक्सेलरोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, लाइनर एक्सेलरेशन, रोटेशन वेक्टर, स्टेप काउंटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड ओरिएंटेशन मिलता है। अभी बात करते हैं कैमरा के बारे में, यहाँ पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया, एक 13 MP का प्राइमरी सेंसर एंड एक 2 MP का डेप्थ सेंसर। उसके साथ साथ अगर सेल्फी कैमरा देखा जाए, यहाँ पर एक 8 MP का पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कैमरा यूजर इंटरफेस के बारे में। तो ये रहा कैमरा, एंड स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कैमरा मिलता है, उसके बाद आपको 4x का ऐसा जूम आप कर सकते हैं। दिस इज़ द वीडियो मोड, एंड अगर हम लोग थोड़ा बहुत सेटिंग्स पे जाते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे तो फुल HD में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रॉम दी बैक कैमरा, दैट्स अ गुड थिंग। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए, मोड में प्रो ऑप्शन है, बर्स्ट मोड है, पैनोरामा, पोर्ट्रेट ऑप्शन इज़ अवेलेबल,
फिल्टर इज देयर, QR कोड, टाइम लैप्स एंड स्लो मोशन, तो बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर फ्रंट कैमरा देखा जाए, फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी जो वो सैम्पल शॉट्स आप देख पा रहे हैं, जो मैंने रियर कैमरा से लिया है, और डी लाइट में रियर कैमरा से आप काफी अच्छे अच्छे शॉट्स उठा पाएंगे। ओवरऑल कलर एंड सैचुरेशन लेवल अगर देखा जाए काफी सही है, नेचुरल कलर्स प्रोफाइल आपको मिलता है, एंड उसके साथ साथ डायनेमिक रेंज भी मुझे लगता है काफी ठीक ठाक ही है। जहां तक लो लाइट फोटोग्राफी का सवाल है, जी हाँ, लो लाइट में भी मैंने 2-4 शॉट उठाए, मैं बोलूंगा ठीक ठाक आया है। एंड कुछ कुछ शॉट्स अगर आपका हाथ स्टेडी है, मतलब अगर आप स्टेडी हैंड से फोटो उठाते हैं, आपको कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स देखा जाए, जी हाँ, यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर दिया गया है, उससे आप काफी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स उठा पाएंगे। इवन अगर एज डिटेक्शन देखा जाए, मैं बोलूंगा अराउंड 90% करेक्ट है, बट ओवरऑल बजट की हिसाब से मैं बोलूंगा आपको सोशल मीडिया वर्थी पोर्ट्रेट शॉट्स मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द सेल्फी कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा से भी आप अच्छे अच्छे शॉट उठा सकते हैं, सो सोशल मीडिया के लिए नो डाउट काफी बढ़िया है। एंड रियर एंड सेल्फी कैमरा दोनों से आप ले सकते हैं फुल HD वीडियोस। हियर इज द सैंपल, ये रियर कैमरा वीडियो सैंपल है। रियर कैमरा से भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ ये कुछ पंछी तब से उड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हवा दे रहा है। एंड पीछे यहाँ पर एक पॉन्ड है हम लोग का, जो साफ सफाई का काम चल रहा है, एंड मैं थोड़ा छत पे हूँ, सूरज जस्ट डूबने को है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रेड स्काई हो गया है। तो ये है सेल्फी कैमरा वीडियो सैंपल, एंड सेल्फी कैमरा से भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। शाम का काफ़ी सुहाना मौसम है, सूरज जस्ट डूबने को है, एंड काफ़ी अच्छा हवा दे रहा है। कोलकाता में आजकल काफ़ी गर्मी पड़ा है, एंड 1-2 दिन से मैंने देखा शाम को काफ़ी अच्छा हवा देता है। आज संडे है, तो मैंने सोचा चलो छत में जाके थोड़ा बहुत कैमरा रिव्यू करते हैं। तो अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियो लेंगे, कुछ इस प्रकार का वीडियो आएगा, एंड जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है विच इज़ फ्रॉम दी इंटरनल माइक्रोफोन। अपार्ट फ्रॉम दी फुल HD वीडियो, यू कैन रिकॉर्ड स्लो मोशन एंड टाइमलेस वीडियोस टू, तो अगर आपको उस चीज का जरूरत है वो भी आपको इस फोन पे मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द बैटरी, 5000mAh का बैटरी दिया गया जो टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर आपको 10W का चार्जर मिलता है। आई डोंट थिंक ये वाला डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ऑल्दो मैं एक बार टेस्ट करके देखूंगा करता है कि नहीं, लेकिन फॉर द टाइमिंग 10W चार्जर से चार्ज करने में आपको काफी टाइम तो लग जाएगा। हालांकि बजट कैटेगरी में इतना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट इन टर्म्स ऑफ द बैटरी लाइफ इट्स रियली ऑसम। ये आराम से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ दे देगा। मैंने अभी तक जितना इसको इस्तेमाल किया, सारा दिन इस्तेमाल करने के बाद भी एंड ऑफ द डे अराउंड 30-35% बैटरी बाकी रहता है, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट। इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल अगर देखा जाए, यहां पर एंड्रॉइड 11 के साथ साथ XOS 10.0 लाइट दिया गया। जी हां, हल्का सा लाइटर वर्जन है नॉर्मल वर्जन से, इस फोन को और भी अच्छे से चलाने के लिए लाइट है। तो मतलब अगर UI थोड़ा सा लाइट होता है तो आपको काफी फास्ट एंड फ्लुएंट परफॉर्मेंस मिलता है, एंड UI रिस्पांस भी मिलता है। इस डिवाइस में एक बॉटम फैनी स्पीकर दिया गया, सिंगल बॉटम फायर स्पीकर, और वहां पर DTS का साउंड सपोर्ट भी आपको मिलता है, विच इज रियली गुड। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको साउंड टेस्ट करके बता दूं कि हाउ इज द साउंड परफॉर्मेंस। तो जैसे आपने सुना सिंगल बॉटम फायर स्पीकर है, लेकिन इसका साउंड परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। जी हाँ, मुझे भी अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, साउंड परफॉर्मेंस मुझे इसका काफी बढ़िया लगा। डिवाइस में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क्स प्रीटी फाइन, काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, सो डेफिनेटली दैट कैन यूज। बजट के हिसाब से मैं बोलूंगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बजट में थोड़ा सा रेयर है, बट ओवरऑल मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस वाइज काफी एक बढ़िया साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ द कलर, इस डिवाइस का टोटल 3 कलर वेरियंट अवेलेबल है। एक है पोलर ब्लैक जो मेरे पास है, उसके अलावा भी आपको मिल जाता है सनसेट गोल्ड एंड अरोरा ग्रीन। तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद है वो आप पिक कर सकते हैं। सो गाइस, ये था अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 11 2022। पर्सनली 8999, मतलब 9000 रुपए के हिसाब से मैं बोलूंगा ये काफी तगड़ा डिवाइस है। ओवरऑल इट्स ए वेरी यूनिक डिजाइन, उसके साथ साथ एक फुल HD पंच होल, काफी बड़ा डिस्प्ले है, 5000mAh का बैटरी है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज UNISSZ T610 भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। खाली एक ही चीज मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन है, विच इज अ हाइब्रिड सिम स्लॉट। आई डोंट नो इन्फिनिक्स ने क्यों दिया है, ऑल्दो दिया है जो है वही है, बट जो बेसिक वेरिएंट है विच इज 4GB रैम एंड 64GB रॉम, जो बहुत सारे लोगों के लिए मोर देन सफिशियंट होता है। तो गाइस, डेफिनेटली इस डिवाइस का और भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। इंस्टाग्राम का हैंडल है instagram.dadaho15। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज रोस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैडाहो, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।